तो कुछ दिन पहले मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया था वीवो एपेक्स स्मार्टफोन के बारे में। वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट फोन था जिसके अंदर कोई बटन नहीं था, कोई फिजिकल सिम कार्ड नहीं डलता था, ना ही कोई स्पीकर ग्रिल थी, कोई कैमरा बम्प नहीं था। तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था और वो कुछ टाइम में रिलीज़ भी कर देगी अपना वीवो। तो उसके अंदर कोई फिजिकल सिम कार्ड तो नहीं डलता था, पर उसमें यूज़ हुआ था eSIM टेक्नोलॉजी का। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि eSIM होता क्या है और उसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी। तो इसीलिए ये वीडियो में मैं आपको eSIM के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से ये टेक्नोलॉजी हमारे आने वाले फ्यूचर में काफ़ी इवॉल्व होने वाली है। बाय द वे, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो यहाँ आप आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो अब eSIM की बात हम आगे करेंगे इस वीडियो में। सो व्हाट इज अप एवरीवन, दिस इज जय फ्रॉम टेक-iELA, लेट्स गेट स्टार्टेड टू इट। eSIM exactly होता क्या है? Actually, इसकी फुल फॉर्म है एम्बेडेड सिम कार्ड। अब इसका मतलब है कि आपको अपने फोन में कोई फिजिकली सिम कार्ड इंसर्ट नहीं करना पड़ता। ये एक ऐसा सिम कार्ड है जो पहले से आपके फोन के अंदर एम्बेडेड होता है, मतलब इंस्टॉल्ड होता है। अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में जो फोन आ रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ नया ऐड होता है, कोई ना कोई नए फीचर्स ऐड होते रहते हैं। जैसे कि पहले नॉच आई, फिर ड्यू ड्रॉप नॉच आई, उसके बाद वो भी ख़त्म हो गई, अब पॉपअप कैमराज आ रहे हैं और काफ़ी कुछ आ रहा है। तो उसी तरह से हमें आने वाले टाइम में अब eSIM देखने को मिलेंगे। अब जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उन्हें कुछ ना कुछ नया ऐड करना होता है अपने फ़ोन में, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्हें अपने फ़ोन में जो स्पेस है वो घटानी है। अब आप अपने फ़ोन में एक सिम कार्ड भी इंसर्ट करते हैं, चाहे वो कम जगह ले, पर वो थोड़ी बहुत जगह तो लेता है, और सिम कार्ड ट्रे की भी जगह होती है, फिर उसका एक सर्किट होता है। तो ये सारे मैकेनिज्म को ख़त्म करने के लिए eSIM बना है। अब अगर आपके फ़ोन के अंदर eSIM कार्ड का यूज़ हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक मोबाइल ऑपरेटर ही आपके फ़ोन में eSIM कार्ड लगा सकता है। कि मान लीजिए आपने आईफोन एक्सेस लिया और उसके अंदर सिर्फ एयरटेल का सिम लगा है और वो एयरटेल ही चलेगा, ऐसा नहीं है। आपको अपने फ़ोन से सिर्फ अपने नेटवर्क ऑपरेटर का एक QR कोड स्कैन करना है और वही नेटवर्क आपके फ़ोन में काम करने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपके फ़ोन में eSIM टेक्नोलॉजी है और आप इस टाइम एयरटेल यूज़ कर रहे हैं और आप स्विच करना चाहते हैं जियो में, तो आपको करना क्या है, आपको अपने नेटवर्क ऑपरेटर को सिर्फ एक रिक्वेस्ट भेजनी है और उससे क्या होगा कि वो आपके ईमेल पर एक QR कोड भेजेंगे और उसी QR कोड को आप अपने फ़ोन से स्कैन करेंगे तो वही नेटवर्क आपके फ़ोन पर चल पड़ेगा। तो एयरटेल से जियो इस तरह से स्विच हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं एयरटेल और जियो की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में सिर्फ अब तक ये दो ही नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं जो कि हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। बट इन द कमिंग फ्यूचर जो बाकी नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं वो भी अपने यूजर्स को eSIM की सर्विस प्रोवाइड करेंगे और जो कमिंग स्मार्टफोन्स हैं उनमें भी फॉर श्योर ये टेक्नोलॉजी यूज़ होगी। अब इस समय लोगों को eSIM की नॉलेज इसलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी तक ये कुछ ही स्मार्टफोन्स में आए हैं। फॉर एग्जांपल, जो नए आईफोन्स आए हैं एक्सेस वगैरह, उनके अंदर सिर्फ चाइना में ही ड्यूल सिम टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। बट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, इसमें सिर्फ एक ही फिजिकल सिम कार्ड डलता है एंड सेकेंड इज eSIM। तो अब धीरे धीरे बाकी फोन्स में भी ये सब आने लग जाएगा एंड eSIM हमारे लिए एक नॉर्मल सी बात हो जाएगी। सो आई होप इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा कि eSIM क्या होता है। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आई डू गेट मोटिवेटेड व्हेन यू हिट द सब्सक्राइब बटन। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।